सेना सूत्रों मांगों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार करतार सिंह बड़ाना की आज नूह जिले में एक जनसभा हुई है और उसी जनसभा में करतार सिंह बड़ाना ने 17 सूत्रीय मांगों का जिक्र किया है। साथ ही ये भी कहा है कि जो भी पार्टी इन 17 सूत्रीय मांगों को मानेगी करतार सिंह बड़ाना उस पार्टी का समर्थन करेंगे। करतार सिंह बड़ाना को सुनने के लिए नूह जिले के साथ साथ तमाम अन्य जिलों के लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे। करतार सिंह बड़ाना का आज इस जनसभा को लेकर क्या कहना है, चलिए उनसे खास बातचीत करते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बड़ाना की आज नूह अनाज मंडी में एक विशाल जनसभा थी और जनसभा समापन करने के बाद अब पूर्व कैबिनेट मंत्री अपने हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे हैं। चलते चलते बात करें सर, और देखिए इनकी जो मेहनत है, मतलब कि इतने घंटे की जनसभा, इतना इन्होंने बातचीत की और ये यहाँ पर ये पसीना ये साफ दिखाई दे रहा है कि जनता के बीच किस तरीके से जनता ने इन्हें पूरी तरीके से घेर लिया होगा। कैसी रही आज की जनसभा? बस मालिक की कृपा से और भाई और बहनों की मेहनत से अच्छी हुई। अच्छी रही, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन थी आपको इस जनसभा से उससे ज्यादा रही। और फिर सबसे बड़ी बात और है कि सरकार और अपोजिशन दो ही ताकतें होती हैं। यहाँ अपोजिशन के 3 MLA, सत्ता तो होती है, वो सब रोक रहे थे कोई ना है, पर सत्ता से लोग डरते हैं जी। जब तक तो ये सब कुछ करने के बाद मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग आए और ये निर्णय कर दिया कि वो लड़ाई लड़ेंगे। और 17 की बजाय अब 18वां एक पॉइंट और आ गया। अच्छा, क्या पॉइंट है वो? सोना से आगे जब हरियाणा का जो टूल है वो झिरका तक का टूल नहीं लगना चाहिए, तभी इन दोनों जिलों का विकास हो पाएगा। तभी जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री सोचते हैं विकास के बारे में, वो विकास हो जाएगा अगर ये टूल माफ झिरका तक हो जाएगा मेवात का। आपने अभी कहा अपनी बात में कि अपोजिशन है जो उन्होंने कई तरीके की रुकावटें डाली, क्या वो रुकावटें थी आपकी इस जनसभा को लेकर? वो रुकावटें ये थी कि 3 MLA हैं यहाँ से जहाँ मैं ये कर रहा हूँ, तीनों कांग्रेस के हैं, उनने पूरी ताकत लगाई है, आदमियों को हाथ भी जोड़े हैं, उनको ये भी कहा कि भाई हमारे कैसे टिकट लोगे, कैसे यहाँ में नहीं जाना। तो हर आदमी का किसी न किसी से कुछ लगाव तो होता ही है, और फिर सत्ता वाले भी हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तो उसके हैं जो हमारा ये करेगा। लगभग कितने लोग होंगे आज इस जनसभा में सर? देखो मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, लोग बताएंगे, क्योंकि मैं बोलूंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, मैं कभी बोलता नहीं। जब हमने जनता के बीच जाकर बात करी मैंने खुद ने, तो उन्होंने कहा कि करतार सिंह बड़ाना ने जो कहा है कि अगर कोई भी पार्टी मेरी 17 सूत्र मांगे मानेगी तो मैं उसका समर्थन करूंगा, लेकिन जनता ने ये भी कहा कि अगर बीजेपी वो मांगे मानेगी तो हम बीजेपी के साथ कतई नहीं जाएंगे। ये किसने कहा? जनता जो आपके समर्थन में आई थी। नहीं, ऐसा नहीं कहा, मैंने सबके हाथ उठवाए जी, मैंने सबके हाथ उठवाए कि बीजेपी अगर ये लागू करती है तो पूरा हरियाणा मैं वहां ले जाके खड़ा कर दूंगा, तब वो पूरा कर दें। कोई भी धर्म से जात से कोई मेरी राजनीति नहीं है, मेरा दर्द उन 70% लोगों के लिए है जिनको ये ज़रूरत है, ना उन्हें हॉस्पिटल मिल पाता है, ना उनको पढ़ाई मिल पाती है, ना शिक्षा मिल पाती है, और कई बार तो जीते जी मरना पड़ता है जब दवाई भी नहीं मिल पाती। आज इस जनसभा से क्या संदेश जाएगा? इससे ये जाएगा कि हरियाणा इस बात के लिए तैयार है कि वो ये मांगे मनवाएगा और ऊपर वाला मदद करेगा तो कोई ना कोई सरकार, मैं तो ये कहूँगा पहले तो यही सरकार इसे माने बीजेपी। कल आपने इंटरव्यू में कहा था कि कल की जनसभा से ये पता लग जाएगा कि 90 विधानसभाओं में जनसभा जाएगी या नहीं जाएगी। तो जाएगी, जाएगी। अगली जनसभा कहाँ और कब होगी? बादशाहपुर गुड़गांव। कब? 26 मार्च। 26 मार्च को बादशाहपुर गुड़गांव में अगली जनसभा होगी। आज आपने मंच से ये भी कहा कि मैंने खाने का आयोजन नहीं किया है, खाने की व्यवस्था नहीं की है, उसके पीछे का कारण? क्योंकि मीडिया अपोजिशन जो लोग नहीं चाहते हैं इस काम को, वो ये कहते हैं कि लोग जो आए हैं खाने के लिए आ गए, बदनाम कर देते हैं, तो वो खाने के लिए कोई नहीं आता, प्यार के लिए आता है। इसलिए मैंने उनको जो है ना आखिर तक मैंने कहा कि भाई कोई मैंने किसी तरह का कोई खाने का जुगाड़ नहीं है, न्योता तो है लेकिन सलाह करने का मशवरा करने का ये काम लगवाने का है, खाने का न्योता नहीं है। आपने मंच से तो तमाम पार्टियों को कहा ही है कि ये मांगे मान ले, लेकिन आज हिंदुस्तान तेलगा के माध्यम से बीजेपी या केंद्र सरकार को ये कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरी विज्ञापन ज्ञापन देने का मेरा था, फिर मैंने सोचा डीसी साहब से काम होने वाला नहीं है,
तो क्यों ना ये मुख्यमंत्री जी को दिया जाए। तो ये ज्ञापन देंगे और ये मांगे मंगवाने की कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और दिल में उनके आ ही जाएगा तो कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।